परम पिता परमात्मा का स्मरण सर्वव्यापक कण कण में व्याप्त मेरे अंदर बाहर सर्वत्र व्यापक परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ के प्रश्नों को लेता हूं। प्रश्न है, क्या ये साधक के लक्षण हैं? अवस्थिकारी है, क्या ये साधक के लक्षण हैं? पहला, ज्यादा किसी से संपर्क में ना रहना। ये साधकों में भी देखा जाता है, केवल साधकों में ही हो ऐसा नहीं कि जहां जहां ये लक्षण मिल रहा हो वो साधक है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन साधकों में ये प्रवृत्ति देखी जाती है कि ज्यादा संपर्क नहीं करते। ज्यादा संपर्क करने से ज्यादा बातें होती हैं, ज्यादा घटनाएं सामने आती हैं, ज्यादा विचार होते हैं, तो फिर वृत्तियां भी अधिक उठती हैं। उसके लिए समय भी देना होता है, दूसरों के से संपर्क करेंगे तो समय भी लगता है उसमें। तो साधक व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण करने में लगा होता है, मन में अनावश्यक विचार ना आए, इसलिए वो संपर्क को कम रखता है। लेकिन कुछ व्यक्ति हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, दूसरों के सामने जाने में हिचकते हैं, दूसरों से संपर्क करने में उन्हें कुछ डर लगता है, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मैं योग्य नहीं हूं, मेरे में दोष है, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं बोलना ठीक तरह नहीं जानता, लोगों से मिलता हूं तो वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, इत्यादि बहुत से कारण होते हैं। इन कारणों से भी कोई व्यक्ति संपर्क को कम कर देता है, औरों से संपर्क करने में कोई यदि अपमानित कर देता है, हंसी उड़ा देता है, तो एक दुख होता है, उनसे फिर नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति भी अन्यों से संपर्क करने से बचते हैं। और जो कार्यों में व्यस्त होते हैं, जिनको समय ही नहीं मिलता, वो भी अन्यों से मिलने से बचते हैं। परीक्षा की तैयारी है और किसी कार्य में अति व्यस्त हैं, तो स्वभावतः वो कार्य उनके लिए अधिक मुख्य प्रतीत होते हैं, तो वो औरों से नहीं मिलते, कम मिलते हैं। और दूरदर्शन भी एक आजकल इसका कारण बनता है, बच्चों में बड़ों में एक बड़ी सामाजिक समस्या है इसमें कि उसके लिए समय दे देते हैं तो लोगों से मिलने संपर्क के लिए समय नहीं रहता है। तो जो अन्यों से मिलने से बचता है, ज्यादा किसी से संपर्क में न रहना
ये साधकों में भी देखा जाता है, औरों में भी देखा जाता है, बहुत से उदाहरण है। तो इसको देख करके ये निश्चय नहीं कर सकते कि ये साधक है। साधकों में ऐसा देखा जाता है, और साधकों में भी जो अभी साधना की प्रक्रिया में चल रहा है, अपने को साधने में लगा हुआ है, अभी प्रारंभिक अवस्था है, वो खासतौर से बसता है। और जो ऊंची अवस्था में चले जाते हैं, जिनको लोगों से संपर्क करने पर भी बाधा प्रतीत नहीं होती है या बहुत कम बाधा प्रतीत होती है, ऐसे व्यक्ति संपर्क में भी रह सकते हैं। साधक होते हुए भी वो दूसरों के संपर्क में अधिक होते हैं, अब अन्यों के कल्याण की भावना से युक्त होकर वो कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने लिखा, आसपास कुछ भी हो ध्यान नहीं देना। ये साधकों की एक विशेष अवस्था में तो होता है, लेकिन सदा नहीं होता है। जिस समय वैराग्य की भावना नई नई बहुत तीव्र उठी हुई हो, विवेक और अध्यात्म का वेग, परमात्मा की प्राप्ति का वेग, तीव्र संवेग उठा हुआ हो, और बहुत सूक्ष्म स्तर पर वो अपने मन पर काम कर रहा हो, एक छोटा सा भी वितर्क, यम नियम के विपरीत विचार वो नहीं चाहता हो, बहुत अच्छी स्थिति बन गई हो और उसमें अभी परिपक्व नहीं हो, जब वो एकाग्रता बनती है उसमें बहुत सुख लगता है, वो बहुत अच्छी स्थिति अनुभव होती है, बहुत शांति लगती है, और वो इतनी अच्छी लगती है व्यक्ति को, साधक को, कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। दूसरों से मिला तो वो स्थिति छूट जाती है, खाने पीने में लगा तो वो स्थिति छूट जाती है, आंख खोल करके देखा कुछ भी, जमीन को भी देखा तो भी कुछ विचार आता है, वो स्थिति में न्यूनता अनुभव करता है, तो उसके आनंद में, सुख में, शांति में, गहराई में न्यूनता आती है, उसको वो छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो क्या करता है, आंख बंद रखेगा, नीचे रखेगा, किसी से बात नहीं करेगा, दूसरों की आसपास की घटनाओं को जानने की इच्छा भी नहीं करेगा, बचना चाहेगा। तो आसपास में कुछ भी हो वो ध्यान नहीं देगा, एक विशेष स्थिति के लिए मैं कह रहा हूं। जो प्रारंभ का है बिल्कुल, वो दूसरों की तरफ ध्यान देगा और देना चाहिए। ये जो मैं स्थिति बता रहा हूं ये थोड़े आगे चल करके आती है, लेकिन एकदम ऊपर की भी स्थिति नहीं होती। जिस एकाग्रता को, शांति को, अंतर्मुखी स्थिति को वो पाने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था, इतने समय से, महीनों से, वर्षों से तपस्या कर रहा था, दिनचर्या करता था, स्वाध्याय करता था, ध्यान में बैठता था, कितनों से पूछता था, लगन लगी हुई थी ऐसा होना चाहिए, कैसे करूं, हो नहीं पा रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और अब ऐसे में उसकी जो तड़प है उस स्थिति को पाने की, और वो बन गई, वो विवेक वैराग्य के कारण बनती है, और पिछले जन्म के संस्कारों के कारण भी बनती है, शुभ कर्मों का उदय होता है तो अचानक भी बनती है। तो जो व्यक्ति किसी स्थिति के लिए तड़प रहा हो महीनों से, सालों से, और वो स्थिति उसको प्राप्त हो गई, तो उसको छोड़ना नहीं चाहते। जैसे बहुत प्यासा व्यक्ति पानी के लिए तड़प रहा है और फिर उसको पानी मिल गया, वो सब कुछ छोड़ के पानी पे ही टिका रहेगा और कुछ नहीं सोचेगा। कई दिनों के भूखे को रोटी मिल गई, सूखी रोटी मिल गई, उसी के लिए तो वो घूम रहा था, और वो मिल गई तो अब इधर उधर नहीं जाएगा, उसी को ही खाएगा पहले, और सब काम छोड़ के उसी में ही लगेगा। तो ऐसे ही जब साधक को कोई स्थिति बनने लगती है, प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो दृढ़ नहीं कर पा रहे हैं कि अन्य कार्य करते हुए भी उसको बना के रखूं, अथवा किसी से बात की वो स्थिति चली गई फिर बना ली अचानक, जब चाहे वो स्थिति ला सकता हो, ऐसा भी उसको नहीं हुआ है। थोड़ा सा विचलन हुआ, गई तो गई, फिर अब कई दिनों तक नहीं आ रही है हाथ में, महीनों तक नहीं आ रही है, ऐसा बहुत बार होता है। तो ये व्यक्ति बहुत सावधान हो जाता है कि जिन कारणों से ये स्थिति चली जाती है तो बचता है उनसे, बिल्कुल बचने लगता है, कुछ भी नहीं देखेगा।
ये कुछ विशेष स्थिति के लिए ऐसा होता है, लेकिन ये हर साधक में ऐसा का ऐसा हो कि वो आसपास की तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दे, ये एक अच्छे साधक में नहीं मिलेगा। वो ध्यान देगा ही, प्रारंभ में भी देगा, और इन कुछ विशेष स्थितियों को छोड़ करके बाकी समय ध्यान देगा। आसपास का, कमरे में कौन रहता है उसका ध्यान रखना, आसपास के घर में है या संस्था में है, परिवार में है, अन्य पशु पक्षी हैं, वो ध्यान देता ही है, वो बहुत जागरूक होता है, अन्यों के प्रति अन्यों के हित का ध्यान रखता है। बस में बैठेगा तो वो केवल अपना ही नहीं सोचेगा, और कोई आसपास में भी नजर रखेगा, जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति रखता है, कोई बच्चा है, कोई वृद्ध है, कोई महिला है, दुर्बल व्यक्ति है, ऐसी स्थितियों में कोई बड़ा व्यक्ति है, अपना स्थान देना या उनके लिए कोई व्यवस्था करना, किसी पे मेरा पैर ना रखा जाए, पैर पे पैर भीड़ में, ये सब वो ध्यान रखेगा। अगर कोई साधक लंबे समय तक ऐसे ही रहता है कि वो किसी पे कोई ध्यान नहीं देता, कोई मरे तो ध्यान नहीं, कोई भूखा मर रहा है तो ध्यान नहीं, कोई बीमार पड़ रहा है कोई तो ध्यान नहीं, आसपास का दूसरे को भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेरे को मिल जाए, मेरे को मेरा दूध मिल जाए, मेरे को मेरी सब्जी फल मिल जाए, दूसरे को मिले या ना मिले, ऐसी यदि किसी प्रवृत्ति को किसी साधक में देखें तो ये निश्चित रूप से दोष है। सच्चे साधक में ये कभी नहीं रहेगा, वो अन्यों के साथ आत्मवत व्यवहार करने का अधिक से अधिक प्रयास करेगा, करता ही है, वो रह नहीं सकता, और दूसरे की सहायता के लिए भी वो तत्पर रहता है। जैसे ही पता लगा इसको ये समस्या है और वो कुछ कर सकता है यदि, तो अवश्य करेगा, बचा के नहीं रखेगा अपने धन को, अपनी वस्तु को, आवश्यकता है तो एकदम सहर्ष दे देगा, क्योंकि उसमें वो हानि ही नहीं देखता, उसमें लाभ ही देखता है। तो आसपास कुछ भी हो, ध्यान नहीं देना अगर ये ज्यादा चल रहा है किसी में, एक सीमा से ज्यादा है, तो ये दोष है, बहुत बड़ा दोष है, साधक के लिए कलंक की तरह से है, ये किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए कलंक की तरह से है। ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है कि वो कहीं भी कोई कुछ भी बात कर रहे हैं उसमें बीच में पहुंचेगा कि चलो ये क्या बात कर रहे हैं, ये यहां क्या हुआ, आज इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, पड़ोस में ये क्यों हुआ, उसके बेटे का क्या हुआ, उसकी बेटी का क्या हुआ, ऐसे नहीं जाएगा, वो व्यर्थ की बातों में नहीं जाएगा, ये तो आवश्यक है। जितना उचित प्रतीत होता है उतना वो जाएगा, काम की काम बात करेगा, जितना है उतना करके फिर वापस अपनी स्थिति में। और मैं सोचता हूं जिन्होंने ये प्रश्न लिखा है कुछ साधकों से खिन्नता के भाव को वो प्राप्त हुए होंगे, ऐसे जो साधक कहलाते हैं, तथाकथित साधक हैं, क्योंकि वो भाषा कुछ ऐसी मेरे को लग रही है, मन में आशंका है इनको, लेकिन थोड़ा आक्रोश भी है साधकों के प्रति, ठीक है, ऐसा दोष होता है साधकों में। तीसरा और जो है, दूसरों की गलती पर थोड़ा भी ध्यान न देना, इसकी दो तरह से बात है, एक तो कि अपने प्रति कोई दुर्व्यवहार करता है वो गलती करता है, दूसरा उस पर कुछ भी ध्यान न देना, ये तो एक अंश में अच्छे अर्थ में भी जाता है, लेकिन वो अधिकारी है और है, व्यवस्थापक है और साधक है, अब दूसरे कोई भी गलती कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, एक जना गलती कर रहा है उससे बहुतों को समस्या हो रही है, उस कक्षा वालों को, उस कमरे वालों को, उस संस्था वालों को, और वो ध्यान नहीं दे रहा है साधक होने के कारण से, ऐसा नहीं, वो उसको कर्तव्य पालन करना ही होता है, दूसरे के किसी की गलती से यदि बहुतों को बाधा हो रही है उसको रोकना ही होता है, ये साधना में बाधक नहीं है। पर बहुत से लोग कहते हैं मैं टोकूंगा तो फिर मन में विचलन पैदा होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा, उसने नहीं माना तो मेरे को दुख होगा, आधी बात मानी, थोड़ा आक्रोश व्यक्त किया, तो इनसे वो बचना चाहता है, क्योंकि मन में विचलन होता है, दुख होता है, क्षोभ होता है। लेकिन साधक व्यक्ति इसको भी अपनी साधना का ही भाग मानता है कि भाई मेरे को व्यवस्था देखनी है, उनको टोकना है कोई एक गलती कर रहा है तो, अब ऐसे में वो ध्यान से ना सुने, अब जो बेचैनी हुई तो उसका तो इलाज करना है, मेरे को पता लग गया मेरे अंदर ये विचलन आता है, वो नहीं मानता है कोई बात तो,
कोई विपरीत जवाब दे देता है, गलती है उसकी लेकिन फिर बहाना बना रहा है, एक के बाद दूसरा तीसरा तो क्षोभ आता है, तो उसको वो अपनी परीक्षा के रूप में देख लेता है कि ऐसा हो रहा है मेरे को, तो मेरे को अब क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में भी मैं अपने को नियंत्रित रखूं। तो इस कार्य को दूसरों को देखने को, दूसरों की गलती को देखने को, उनके साथ फिर यथायोग्य व्यवहार करने को वो अपनी परीक्षा की कसौटी की तरह देखता है, साधना की परीक्षा की दृष्टि से देखता है, अपनी कमी ज्ञात होने के अवसर के रूप में देखता है, तो उसको वो बाधक प्रतीत नहीं होगा, वो कर सकता है। लेकिन जो एक स्थिति मैंने बताई, बहुत गंभीर स्थिति, अंतर्मुखी स्थिति जो उसको कभी कभी मिलती है, ऐसे में कई बार किसी को होता है तो उसको फिर साधक का दोष नहीं मानना चाहिए, उस समय तो उसको बिल्कुल एकांत में चले जाना चाहिए, पूर्ण मौन में जाते हैं, काष्ठ मौन में जाते हैं, आकार मौन में जाते हैं, ये सब होता है। अगला प्रश्न, जब हम बहुतायत जीवात्माओं के हित के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र रक्षा के लिए मिथ्या भाषण करते हैं तो यह कहां तक उचित है, और क्या यह मिथ्या भाषण हमारी साधना में बाधक हो सकता है? ये जो प्रश्न है एक सामान्य रूप से प्रश्न है, या तो किसी घटना विशेष को हो तो अच्छी तरह विश्लेषण हो सकता है कि यहां ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, अलग अलग घटनाओं में इसके लिए अलग अलग उत्तर होंगे कौन सी परिस्थिति है। लेकिन सामान्य रूप से जो उत्तर है वो ये कि हमें मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि राष्ट्र रक्षा के लिए या बहुत लोगों की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए मिथ्या भाषण करते हैं, वो कौन सी परिस्थिति है? आपके जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थिति आई है? ये स्थिति व्यवहार में, उस स्थिति को, घटना को देख करके हम सोचेंगे कि क्या ये उचित है, अथवा इसके अतिरिक्त कोई उपाय था हमारे पास में, अगर दूसरा विकल्प था कर सकते थे तो फिर ये नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत अंतिम स्थिति है, ऐसा कभी बहुत ही अपवाद के रूप में नहीं, तो पहला उत्तर यही है कि हमें मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, और ये मिथ्या भाषण साधना में बाधक हो सकता है, होता है। इन उदाहरणों को प्रस्तुत करके और उसमें जब ये छूट मिल जाए, हाँ कभी इनके लिए झूठ बोला जा सकता है, वो हर छोटी छोटी चीज में झूठ बोलने लगता है कि मैं इनके हित के लिए कर रहा हूं, मैंने अपने लिए थोड़ा ना किया, तो प्रश्नकर्ता से ही मैं पूछता हूं, वो कोई घटना बताएं। बोलिए। जैसे कि हमारे देश के जो विरोधी संगठन आदि होते हैं, वो उनकी जासूसी के लिए, जैसे पाकिस्तान या इराक ऐसे जासूस आदि रखते हैं, वो लोग बनावट के रूप में रहते हैं, वो अपने आप को उसी देश का बताएंगे और अपने आप को उसी मजहब का, और सारा सब कुछ झूठ पे ही चलता है, ये क्यों करते हैं हमारे देश के लिए? ये किया जा सकता है, ये राजा के लिए, राजदूतों के लिए यानी गुप्तचरों के लिए, राजपुरुषों के लिए ये स्वीकृत है। लक्ष्य ठीक होना चाहिए, धर्म की स्थापना होना चाहिए, मात्र राष्ट्र नहीं, ये तो अपने अपने राष्ट्र के स्वार्थ के लिए गलत कामों में भी व्यक्ति कार्य करने लगता है, मानवता के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए हम ये कार्य करते हैं, ये स्वीकृत है, ये राजनीति में स्वीकृत है। लेकिन केवल वैसे जो हम साधक हैं वहां पर प्राय ऐसी स्थितियां नहीं आती है, हमें इन अपवादों को छोड़ करके सत्य का ही पालन करना चाहिए, और हमारे पास विकल्प होते हैं। और इन स्थितियों में भी, जो गुप्तचर आदि की आपने बात बताई, वहां भी कुछ स्थितियों में हम रोक सकते हैं अपने आप को, उन्होंने पकड़ लिया, वो पूछ रहे हैं हमारे देश के भेद को, पूछ रहे हैं सूचनाएं, पूछ रहे हैं, तो एक तो है कि हम झूठ बोल दें, और एक है कि हम उनको कहें मैं नहीं बताऊंगा, सत्य तो बताना नहीं है, उससे देश की हानि होगी, तो कह सकते हैं मैं नहीं बताऊंगा, चुप हो रहा हूं। झूठ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप को इतना दृढ़ बना लेना। और हम अगर झूठ बोल देते हैं तो वो दूसरे यूं ही मान लेंगे हमारी बात, ऐसी वो नहीं जानते हैं कि ऐसी स्थितियों में व्यक्ति झूठ बोलता है, वो भी जानते हैं, वो भी ऐसा करते हैं। तो अगर हमने झूठ बोल भी दिया
तो वैसा ही मान लेंगे, वैसा ही कर देंगे, इसका कोई निश्चय थोड़ा है। वो पुष्टि करेंगे और प्रयास करेंगे कि झूठ तो नहीं बोल रहा है, हमारे को फंसा तो नहीं रहा है। तो केवल झूठ बोलने से देश बच जाएगा ऐसा भी नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। हमने झूठ बोला, पता लग गया उनको, उन्होंने परीक्षा की, तो अब झूठ बोलने के कारण वो मारेंगे हमारे को, और नहीं तो शायद इतना नहीं करते। तो इसलिए इन स्थितियों में जहां तक हो सके झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब कोई मनुष्य को पृथ्वी पर आने को होता है यानी जन्म के लिए, तब यदि वह प्रतीक्षा करे तो वह कहां पर करता है, स्वर्ग में रहता है या नरक में रहता है? मैंने जो प्रतीक्षा की बात कही थी तो कहीं भी रह सकता है, उसको प्रतीक्षा नहीं करनी होती। वो ऐसे जानता हुआ जैसे पंक्ति में मैं खड़ा हूं प्रतीक्षा कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। वो तो परमात्मा ने उसको जन्म के लिए भेजा नहीं है शरीर में, बस इतना ही है, परमात्मा ने नहीं भेजा है उसको। वो तो अपनी जगह जहां पर भी है वो तो मूर्छित है, सुषुप्त अवस्था जैसा है, उसको कुछ नहीं पता है मैं कहां हूं। वो कहीं भी हो सकता है, वो पेड़ में हो सकता है, वो अन्न में हो सकता है, वो पानी में हो सकता है, वो कहीं यहीं हो सकता है, उसको नहीं पता है कुछ भी कहां हूं। अब जब उसको जहां जन्म देना है, परमात्मा उस आत्मा को उस जगह पहुंचा देता है, कहीं भी पहुंचा देता है, इस पृथ्वी पर कहीं भी और इससे भिन्न पृथ्वी पर भी कहीं पर भी उसी क्षण में। परमात्मा के लिए कहीं भी किसी आत्मा को पहुंचाने में कोई समय लगने की बात नहीं है, उसी समय जहां चाहे वहां पर वो पहुंचा देगा। तब तक वो पड़ी है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो कुछ भोगता भी नहीं है, केवल सूक्ष्म शरीर उसके साथ में रहता है, स्थूल शरीर नहीं रहता है, तो वो कुछ भोग नहीं भोगता है। तो स्वर्ग और नरक में कोई सुख भोग रहा हो या दुख भोग रहा हो ऐसा नहीं है, वो करता है। अगला प्रश्न, हमारे द्वारा किसी की हानि शारीरिक रूप में होती है या मानसिक रूप से भी होती है, मतलब हम अपने मन में ही दूसरे की हानि सोचते हैं तो भी क्या हमें पाप लगेगा? तो ये थोड़ा विचारने की बात है। मैं जितना समझ पाया हूं उसमें ये कि केवल मन में दूसरे की हानि के सोचने से हमें पाप नहीं लगता है। वैसे शास्त्रों में कर्म के तीन भेद माने गए हैं, शारीरिक, वाचनिक, मानसिक, अच्छे बुरे कर्म, उनसे पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, ये सब बातें हैं, सीधे सीधे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी मिलता है, जब हम परापकार करते हैं, पर का अपकार करते हैं या परापघात करते हैं, दूसरे का अपघात हानि करते हैं, तो हमारा पाप कर्माशय बनता है, और पर उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, तो हमारा पुण्य बनता है। अब मन में यदि हमने अच्छा या बुरा सोचा, इतने मात्र से तो दूसरे का हित या अहित नहीं होता है, तो ऐसे में उसका कर्माशय नहीं बनना चाहिए। पर जो शास्त्रों में मिलता है उसकी संगति क्या होनी चाहिए, तो मैं इस तरह से सोचता हूं उसमें। एक तो होता है कर्माशय का बनना, ऐसे धर्म अधर्म, पाप और पुण्य, एक केवल ये कि ये अच्छा है और ये बुरा है, उससे कोई कर्माशय नहीं बनता है। केवल ये अच्छा है और ये बुरा है, ये बताने के लिए पाप पुण्य धर्म अधर्म कहा जाता है, उससे कोई कर्माशय नहीं बनता है। हाँ, संस्कार बनते हैं, अच्छे और बुरे संस्कार। तो जब हम किसी का मन से बुरा सोचते हैं या अच्छा सोचते हैं, उससे चूंकि दूसरे को कोई हानि नहीं हुई और कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए कर्माशय में तो पाप पुण्य कुछ नहीं जाए, किंतु ये जो हमने सोचा विचारा ये वृत्ति है, वृत्ति है तो संस्कार भी पड़ेगा। अच्छा सोचा तो अच्छा संस्कार, बुरा सोचा तो बुरा संस्कार, और आगे चल करके ऐसे ही अच्छे बुरे सोचने से फिर वो बातें हमारी वाणी पे भी आने लगती हैं और हमारे एक शरीर में भी कर्म में भी आ जाती हैं, और व्यक्ति उसी तरफ बढ़ता जाता है, अच्छे या बुरे की तरफ। इस रूप में वो पाप और पुण्य, हानि देने वाले या लाभ देने वाले, धर्म अधर्म कहे जा सकते हैं, इतने अंश में शास्त्र कह रहा है ये समझा जा सकता है वहां पर।
कर्माशय ही बनता हो ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसे शब्द मिलते हैं कि ये मानस कर्माशय बनता है, आशय बनता है, तो वो संस्कारों वाला तो अवश्य बनता है, ये तो समझ में आता है। तो यदि हमारे मन में किसी के प्रति अच्छा विचार या बुरा विचार आ जाता है तो उतने मात्र से हमारा कर्माशय बन जाएगा, ऐसा ना सोच के एक संस्कार बनाए और उस संस्कार को हम मिटा सकते हैं, फिर ज्ञानपूर्वक समझ से उसको हम मिटा सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, और ये हमें कर लेना चाहिए। तो हर मन के विचार का कोई कर्माशय बनता है ऐसा मेरे तो बुद्धि में नहीं बैठता है, मेरे समझ में वो नहीं आता है। आगे, सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, कर्मों के अनुसार भोग मिलता है, इसमें समाजादि को दोष क्यों दें? पीछे जो मैंने बात रखी थी कि सब दुख या सुख हमारा अपने कर्माशय का नहीं होता, समाज की तरफ भी से भी न्याय या अन्याय पूर्वक हमें मिलता है, उस पृष्ठभूमि में इनका प्रश्न है कि सूत्र है कि सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। तो इस सूत्र में ये थोड़ा कहा गया है कि हमें जितना भी सुख दुख मिलता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है, ये सूत्र इस बात को थोड़ा कह रहा है। तो कह रहा है कि मूल होने पर यानी क्लेश होने पर तद्विपाक कर्माशय का विपाक होता है, क्लेश नहीं है तो कर्माशय का विपाक नहीं होगा, क्लेश है तो कर्माशय का विपाक होगा। और वो कर्माशय का विपाक किस प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है, जाति, आयु और भोग। हमें जो जाति मिली है, शरीर मिला है मनुष्य आदि का, ये तो पूरी तरह हमारे कर्म पर ही निर्भर है, ये हमारे कर्म के कारण ही है। अब इस शरीर में जो आयु मिली है वो पिछले कर्मों के अनुसार भी मिली है आयु, एक निश्चित आयु, लेकिन वर्तमान के कर्म शुभ या अशुभ, आलस्य या पुरुषार्थ, वो भी हमारी उस आयु को न्यूनाधिक करते हैं, इसलिए कुल मिलाकर के आयु निश्चित नहीं हुई। पिछले कर्मों के अनुसार निश्चित आयु मिली थी, लेकिन वर्तमान के कर्म भी चूंकि उस पर प्रभाव डालते हैं, आयु कम भी हो सकती है अहित आहार विहार रखेंगे तो, और उचित रखेंगे तो लंबी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के दोनों का सम्मिश्रण कर दें तो आयु निश्चित नहीं होती है, तो ये समाज का प्रभाव आता है, हमारा अपना भी प्रभाव आता है, पिछले कर्म और वर्तमान के कर्म, और इन दोनों को भी छोड़ दें, हम ठीक ठीक चलते हुए जा रहे हैं और किसी ने शराब पी करके गाड़ी चला रहा है, टक्कर मार दी हमारे को, मृत्यु हो गई हमारी, हाथ पैर टूट गए, अब इसमें हमारा कर्म कारण नहीं है, उसने गलत कर्म किया है उसका परिणाम हमारे को भुगतना पड़ा, उसकी पूर्ति न्याय होगा परमात्मा की तरफ से, वो अलग बात है, लेकिन हमारी आयु पूरी तरह हमारे ही कर्मों पर निर्भर करती है ऐसा नहीं कह सकते, समाज का परिस्थिति का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। और जो भोग है, भोग के साधन है धन संपत्ति, मकान, कपड़े, लत्ते, भोजन आदि, ये सारी चीजें, ये भी पिछले कर्म के अनुसार जिस परिवार में आए हैं वहां की जैसी धन संपत्ति सुविधा है वो तो कर्म के अनुसार मिली, अब हम यहां पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अपने वर्तमान के कर्मों के अनुसार हमें मिल रही है, और हमारे वर्तमान के कर्म अन्यायपूर्वक चोरी आदि भी हो सकते हैं जिससे हम धन कमा लें ज्यादा, ये अन्यायपूर्वक हो गया, ये हमारे उन अशुभ कर्मों का फल नहीं है, ये परिणाम है, फल तो बाद में मिलेगा, हमें दंड मिलेगा समाज से या ईश्वर से। इसी तरह समाज के दूसरे व्यक्ति हैं, किसी ने गोद ले लिया और उसने हमारे को बहुत धन दे दिया, या कहीं हमको पड़ा मिल गया बहुत ज्यादा धन, हमारी मेहनत का नहीं है वैसे ही मिल गया, या हमारे से छीन लिया किसी ने, ये जो प्रभाव होते हैं घटने बढ़ने के, ये समाज के द्वारा होते हैं। इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि जिसके पास जितना भी है वो सारा उसके कर्मों का ही फल है, जितना भी सुख या दुख है वो उसके कर्मों का ही फल है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो भी रहता है और अन्यों के द्वारा भी न्याय अन्याय पूर्वक सुख दुख साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए इन्होंने पूछा कि कर्मों के अनुसार भोग मिलता है, इसमें समाज आदि को दोष क्यों दें?
तो सब कुछ कर्मों के अनुसार नहीं मिलता, हमें जो कुछ मिलता है वो सारा हमारे कर्मों के अनुसार नहीं होता, ऐसा मानेंगे तो बहुत दोष आएगा। अगला प्रश्न, किससे कर्माशय अच्छा या बुरा कोई भी अधिक बनता है, मन से कर्म करने पर, वाणी से या शरीर से कर्म करने पर? मन के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया ही कि जिस कर्म से, मन से भी अगर होता है तो वो भी लिया जा सकता है, जिससे दूसरे का हित होता है उससे पुण्य बनता है और अहित होता है तो पाप बनता है। यदि हमारे बोलने से किसी का बहुत अधिक भला हो जाता है और शरीर से सेवा करने से कम भला होता है, तो चूंकि वाणी से अधिक भला हो रहा है इसलिए उससे पुण्य अधिक मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वाणी से बोलो तो अधिक फल होगा या शरीर से करो तो अधिक फल होगा। कुल मिला के जिससे भी अधिक लाभ होता है, समाज का अधिक भला होता है, धर्म की अधिक उन्नति होती है, जिससे भी अधिक होती है उससे उतना ही पुण्य बनेगा और जिससे जितनी हानि होती है उससे उतना ही पाप लगेगा। केवल शरीर से या केवल वाणी से ऐसा नहीं समझना चाहिए, लेकिन प्राय करके अगर उसी क्रिया को, समान क्रिया को हम वाणी से बोलें, मन से सोचें और शरीर से करें तो शरीर से ज्यादा होता है। मन से सोचा कि मैं इसके हाथ तोड़ दूंगा, मन से सोचा, अब कोई फर्क नहीं पड़ा, वाणी से भी बोला हाथ तोड़ दूंगा और शरीर से तोड़ भी दिया, हाथ डंडा मारा, हड्डी तोड़ दी। तो ये जो शरीर से किया इसका फल दंड अधिक होगा। मन में सोचा है कि मैं इसको ये फल दूंगा, नहीं दिया, मन में सोचा, कोई पुण्य नहीं होगा, संस्कार पड़ेगा बस। वाणी से बोला मैं आपको फल दूंगा, दूसरे को थोड़ा बहुत सुख हुआ, और शरीर से भी कर दिया, दे दिया, तो इसका पुण्य अधिक मिलेगा। तो अगर समान कर्म है मन, वाणी और शरीर पे, तो शरीर से जब किया जाता है तो उसका फल अधिक होता है। इसको आप दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं कि जब जब हम शरीर से अच्छा या बुरा करते हैं तो मन से तो होता ही है, मन छूटा थोड़ा है, वहां पर किसी को दे रहे हैं फल तो मन में तो विचार आया ही है, कई बार विचार आ गया, तो वो केवल शरीर से नहीं होता है, वाणी से बोला हो या ना बोला हो लेकिन मन से तो अवश्य सोचा होता है, और कई बार मन में भी सोचा, वाणी में भी बोला और क्रियान्वित भी कर दिया, मैं दान दूंगा, बोला भी, घोषणा भी की और दे भी दिया। तो जो चीजें शरीर से होती हैं वो मात्र शरीर से नहीं होती, उसमें मन भी जुड़ा हुआ होता है, दोनों के कर्म हो रहे हैं, तो इस दृष्टि से भी वो अधिक फल देने वाला होता है और उसका प्रभाव अधिक आता है शरीर वाला व्यवहार में, इसलिए उसका अधिक फल होता है। तो समय हो गया है, इतना ही रखते हैं।